स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। बीते दो दिन पूर्व हमने आपको टिहरी जिले की एक विवाहित महिला सरस्वती देवी के जंगल में कंकाल मिलने से संबंधित खबर दी थी, जिसमें बताया गया था कि महिला बीते 5 अगस्त से लापता चल रही थी और इस संबंध में सरस्वती देवी के पति गब्बर सिंह ने राजस्व पुलिस कंडी सोण में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि अभी तक मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार टिहरी के कंडीसोण तहसील के जामड़ी गांव निवासी महिला 28 वर्षीय सरस्वती देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का इस संबंध में कहना है कि सरस्वती देवी के पति द्वारा झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि धनौल्टी तहसील के सिंजल गांव निवासी मृतका के पिता विजय पाल सिंह ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। मृतका सरस्वती देवी के पिता विजय पाल का कहना है कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति, सास ससुर और जेठ जेठानी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 9 जुलाई को ससुराल से तंग आकर वो मायके आई थी, लेकिन परिवार वालों ने उसे समझा कर 24 जुलाई को ससुराल वापस भेज दिया था। थत्यूण थानाध्यक्ष मनीष नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में मृतक के पति गब्बर सिंह, ससुर चंदन सिंह, सास पिंगली देवी, जेठ गुलाब सिंह और बिंदाल कोट निवासी ननद के पति मयचंद सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी मृतका की जेठानी घर पर नहीं मिली, उसकी तलाश जारी है। आरोपियों को कोर्ट में पेशी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।